हेलो स्टूडेंट्स, एसके एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के अंदर हमने पार्ट चार समय सुबह का, इसमें हमने भाग तीन को पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम भाग चार करेंगे। ये हमारा आज का इस लेसन का जो है वो लास्ट वीडियो है। यहाँ ये लेसन आपका पूरा हो जाएगा। समय सुबह का, समय जो सुबह का समय होता है वो कैसा होता है? हम लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद में हमें कोई मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं चिड़िया बोलती सुनाई देती है, और थोड़ी देर तो हम जब तक मुँह वगैरह नहीं होते, फ्रेश नहीं होते, तब तक हमारे को आलस आता है। और जैसे ही हमने मुँह धो लिया, ब्रश कर लिया और बिस्तर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ने के बाद में हमारा आलस भाग जाता है। और चिड़िया जब बोलती है तो हमें पता चलता है कि दिन निकल चुका है, और मुर्गा जो है वो बांग दे के हमें खाता है। यानी सुबह का समय जो है, इधर से सूरज निकलता है, पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देती है। थोड़ी देर तो ऐसे लगेगा जैसे बादल सारे आसमान में लाल लाल दिखाई देता है। उसके बाद जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा, उठता जाएगा, वैसे वैसे हमारे को वो लालिमा खत्म हो जाएगी और उजाला चारों तरफ सूरज की रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी। जब सूरज उग जाता है उसके बाद जो है चांद फीका हो जाता है। रात को तो चांद की रोशनी चमकती है, और जैसे ही हमारे पास सूरज उग जाएगा तो चांद की जो चांदनी है वो फीकी पड़ जाएगी। ये कविता के अंदर आपको बताया गया है। अब देखो, हमने ये पांच प्रश्न संख्या पांच तक तो आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था। आज हम प्रश्न संख्या छह करेंगे। प्रश्न संख्या छह देखो, किरणें किसकी होती है? सूरज की। सूरज जब उगता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और अपनी किरणें धरती पर उसकी सूरज की किरणें आती हैं। तो किरणों में भू, भू यानी भूमि, धरती, धरा पर उतर कर क्या किया? जो सूरज की किरणें धरती पर आई, उतरी, उन्होंने किरणों ने क्या किया? ये बताना है कि उन किरणों ने धरती पर आकर क्या किया। किरणों ने अब प्रश्न संख्या सात देखो, फूली नहीं
अरे जो पेड़ की डाली है, टहनी है, उस पर डाली पर अधिक मात्रा में सूर्य के उदय होने
सुनाई नहीं देती, तब ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा फीका पड़ गया हो। जब सूरज डूब जाता है, सूरज की रोशनी इतनी तेज होने के कारण चांद की जो रोशनी है वो दिखाई नहीं देती, तो ऐसा लगता है जैसे कि चांद का जो टुकड़ा है, चेहरा है, वो फीका पड़ गया। अब देखो भाषा की बात, भाषा की बात यही व्याकरण से संबंधित काम है। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। शशि, मयंक, राकेश, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आपने ये अपने कॉपी में लिखने, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।